हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग 12th PABT के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे नीट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। यस, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/√2πn d² वेयर एन इज नंबर डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर डी स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, सही है, ये ट्रू है। एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nkT और F/2 nRT। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये परफेक्ट गैस है 27 डिग्री हीटेड कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। कॉन्स्टेंट प्रेशर बोला गया है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V2/V1 = T2/T1 हो जाएगा। तो ये तो रेशियो 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, T2 हमको अननोन है, T1 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सेल्सियस में मत लेना, हर क्वेश्चन में केल्विन में लेना है। तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू आपकी 600 केल्विन। लेकिन आंसर अगेन आपको सेल्सियस में पूछा गया है, तो -273 कर दो तो 327 आ जाएगा, तो 327 आ जाएगा। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉलिक्यूल इज गिवन ए मास ऑफ गैस हैविंग RMS वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्रीज एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर चेंज टू सो एंड सो, RMS वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो देखो, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता, RMS वेलोसिटी डिपेंड्स प्योरली ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास। ओके, तो यहाँ पर V2/V1 इज इक्वल टू √T2/T1। गैस सेम है, VRMS के फॉर्मूला में आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर √3RT/molar mass। ओके, 3RT/molar mass। तो यहाँ पर V2/V1 में V2 निकालना है आपको, V1 दिया हुआ आपको 200, V1 दिया 200, तो 200 इंटू √T2, T2 127 का मतलब 400 हो गया, और T1 मतलब 27 मतलब 300 हो गया। तो आप देख सकते हो 0 0 गए दोनों, 4 का √2 हो जाएगा, 2 बाहर आके 400 हो जाएगा, 400/√3 आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर वर्क हीट एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो हीट सप्लाइड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। यस, इनिशियल फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस में लिया गया, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। तो C2A में इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो -180 दिया हुआ है, तो UC-UA इज -180। अब A2B, B2C में कुछ हीट ट्रांसफर दिया हुआ है 60 और 250, तो Q A2B + Q B2C = U final, मतलब A से C जा रहे हो आप, है ना, A से C जा रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर एक्चुअली ये UA-UC है, U final - UA - UC आपका -180, तो यहाँ पर UC-UA हो जाएगा +180 प्लस नेट वर्क डन, वर्क नेट। तो आप देख सकते हो ये दिया हुआ 60 और ये दिया हुआ 250, 250 + 60 = 180 + वर्क, तो ये 180 इधर सेपरेट हो जाएगा, 70 + 60 = 130 आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 130 जूल्स। तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। ओके, सो यहाँ वर्क इंटरनल एनर्जी घटी तो इस तरफ जाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, सेम वैल्यू, बिकॉज इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो मीन कैनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस 300-450 केल्विन रेस्पेक्टली। तो V hydrogen / V nitrogen, ओके, तो दोनों का टेम्परेचर कैनेटिक एनर्जी, मीन कैनेटिक एनर्जी पूछी है, स्पीड नहीं पूछी है, सॉरी, कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू F/2 nkT,
एन सब के लिए सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है और टेम्परेचर सेम है. तो टेम्परेचर तो के हाइड्रोजन बाई के नाइट्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर कितना दिया है 300 और 450. एन के टी कट जाएगा, एफ बाई टू एन के कट जाएगा. तो ये आपका एफ भी सेम है बिकॉज ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है, तो एफ दोनों के लिए 5 है. अगर एक मोनो होता तो आपको ध्यान रखना पड़ता. ओके, तो यहाँ से 15 में 0 0 कटेगा, 15 में 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा. तो 2/3 ऑप्शन बी से मैच हो रहा है. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. प्रेटी इजी क्वेश्चन अभी तक. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कितनी है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस डेफिनेटली सही बात है. प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड नहीं करती है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एट रूम टेम्परेचर आर एम एस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1920 द गैस इज, तो गैस ढूंढना है, स्पीड दे दिया है. तो 1920 इक्वल टू अंडर रूट 3R इंटू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोला गया. ओके, तो 300 केल्विन ले लेते हैं, 27 डिग्रीज डिवाइड बाय गैस, मोलर मास अगर आप निकाल पाओगे तो आप इसका गैस का टाइप फाइंड करते हैं. तो स्क्वेयर कर लेते हैं, 1920 इंटू 1920 इक्वल टू 3 इंटू 300 इंटू आर, इसको मैं 25/3 लिख दूँ कैलकुलेशन के लिए. मोलर मास ये 3 गया, ये 20 ये 20 को खा गए, तो मेरे लिए बच रहा है मोलर मास इज इक्वल टू 25 इंटू 3 बाय 192 इंटू 192. तो 3 मेरे लिए जा रहा है 92 में. ओके, 164 टाइम्स जा रहा है. ओके, तो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बच रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 25/64 इंटू 192. तो ये बहुत छोटा नंबर आने वाला दिख रहा है, तो छोटा नंबर आएगा और इसको पहले तो ये किलोग्राम में आएगा. हमको आंसर ग्राम में चाहिए होगा बिकॉज मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स, नाइट्रोजन का 28, ऐसा लिखते. तो हम लोग इसको ग्राम में, मोलर मास को पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी लगेगा. तो क्या आंसर आ रहा है देखते, 2 आ रहा है क्या, 25 F2 आ रहा है तो 56 आएगा, है ना. तो क्लोरीन आ रहा है तो कुछ अलग आएगा, 63 के आसपास, है ना. ऑक्सीजन आएगा 32 के आसपास दिखेगा, तो आपको देखना है. तो आप देख सकते हो 64, 416 जा रहा है, 4 में जाता है 250 टाइम्स, 4 में जाता है 250 टाइम्स. और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 125 और ये 8 हो जाएगा. ओके, तो ये आपको 25 × 125 डिवाइड बाई 192 इंटू 8 दिख रहा है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 है और ये अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 3 है, तो ये 2 के आसपास आंसर आता हुआ दिख रहा है. ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 ग्राम्स आता हुआ दिखेगा, 2 ग्राम्स पर मोल दिखेगा, मतलब ये आपका हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस होना चाहिए. ओके, इस तरह से हम लोग अंदाज़ा ले सकते हैं. ये वैल्यू बड़ी नहीं आ रही अब दिख रही है, अप्रॉक्सीमेट 2 और 3 के बीच में आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आई है. अब ट्राई करना, है ना, 25 × 125 / 192 × 8, तो 25 8 में अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स आ रहा है और ये लेस देन 1 आ रहा है, तो 3 से कम आंसर आएगा, तो 2 आंसर सही है. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एक एरिया दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, तो एरिया आपको इसका वर्क डन एरिया से आता है. तो 1/2 बेस कितना है आपका, V-3V 2V, हाइट कितनी है, P-4P 3P, है ना, 2 कर दिया, 3P भी आंसर हो जाएगा. ऐसा आंसर मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेसल कंटेन 16 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. HTP बोला गया है, HTP मतलब आपका टेम्परेचर हो जाएगा 273 और प्रेशर हो जाएगा 10^5 पास्कल. ओके, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई एक मोल जो होता है वो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है. तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने हैं वो निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों को ऐड करते हैं. तो 16 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मास कितना है 16 बाय उसका मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का 2 और इसका मास ऑक्सीजन का मास कितना है 128
उसका मोलर मास है 32। इनको ऐड करते जो भी नंबर आ रहा है देखते, ये मेरे को 8 आ रहा है 16/2, 32 इंटू 32 फोर जार आई कैन गेट 128, ये 4 टाइम्स जा रहा है तो मेरे लिए 12 मोल्स आ रहे हैं। तो आपका 12 मोल्स बना यहाँ पर, इसका मतलब वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 12 × 22.4 है ना, ये आपका लीटर्स में आएगा, 22.4 लीटर्स में आएगा। आंसर आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है तो इंटू 1000 भी करना पड़ेगा है ना, 12 × 20 = 240 और इंटू 2 मतलब 250 प्लस 12 मतलब 44 प्लस 24 264 से ऊपर आ रहा है 270 के आसपास दिख रहा है, तो 2 से 0.4 भी मल्टीपल हो रहा है तो ये 270 × 10³ के आसपास दिखेगा, 2.7 × 10³ और 2.27 × 10⁴ ऑप्शन नियरेस्ट आंसर है। वेरी गुड, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रे इंसिडेंट है 15 डिग्रीज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्रीज है, डिविएट्स 55 डिग्रीज, तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, आई इज द इंसिडेंट एंगल, ई इज द एमर्जेंट एंगल, ओके, माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा दिया हुआ 55, ये दिया हुआ 55, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 दिया हुआ है, वेरी इजी, एंगल ऑफ एमरजेंसी पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें 55, आई कितना है 15 प्लस ई अननोन है, ये 60 है, ये 15 इधर जाएगा 40 कर देगा, 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। तो अगेन एमरजेंट एंगल निकालना कोई टफ बात नहीं है, है ना, आपको थ्योरी में डेफिनेटली कराया होगा। तो 100 मेरा ऑप्शन में नहीं है, अच्छा नन ऑफ दिस अबव आंसर हो सकता है इसका, बिकॉज 100 आंसर आना चाहिए इसका, तो 100 ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बॉय स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, ही सीज एरेक्ट इमेज हुज हाइट इज 1/5 ऑफ हिज रियल हाइट, एरेक्ट इमेज और छोटा डिमिनिश है ना, ये कौन सा मिरर बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, है ना, कॉनकेव में एरेक्ट एनलार्ज आती है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस हैविंग सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज द पावर इज, तो पावर टोटल जो होता है P1 + P2 हो जाएगा, तो 1/25, दूसरे का -1/25 है बिकॉज उसका फोकल लेंथ कितना है नेगेटिव है, उसका फोकल लेंथ कितना है नेगेटिव है, तो ये आपको आंसर डेफिनेटली 0 आता हुआ दिख रहा है, तो 0 आंसर आपका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके, पावर 0 है, फोकल लेंथ पूछा जाए तो इनफाइनेट है, फोकल लेंथ पूछा जाए तो इनफाइनेट हो जाएगा, ओके, ये 1/F इफेक्टिव फोकल लेंथ जो हो जाता वो होता इनफाइनेट, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, आपको पावर ही पूछा है, तो पावर तो 0 है, फोकल लेंथ होता था इनफाइनेट होता, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, दो का कॉम्बिनेशन तो डायरेक्टली ऐड कर दो, है ना, पावर टोटल इक्वल टू P1 + P2, तो आप दिख रहे हैं 2.5 -3.75 -1.25 आ रहा है, ये 1/F इफेक्टिव है, ओके, तो एफ इफेक्टिव हो जाएगा माइनस ऑफ 1/1.5, तो 4/5 हो गया, ये मीटर में आ रहा है, इंटू 100 कर लो सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना, तो ये आपको दिख रहा है 80 सेंटीमीटर्स -80 सेंटीमीटर्स बिकॉज 4/5 0.8 है, 0.8 × 100 = 80 है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज यूज्ड बाय ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स इन नॉर्मल आई एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आई पीस आर गिवेन, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो देखो आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस 20 मीटर दिया है, बहुत बड़ा, ओके, मतलब 2000 सेंटीमीटर है ये, और आई पीस का सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE, तो मैग्निफिकेशन इसका आ जाएगा 1000, मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसका 1000 गुना बड़ा इमेज, ठीक है, ये तो सही आंसर लग रहा है, एक ऑप्शन ही सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज, ऑब्जेक्ट और आई पीस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट टू एंड आई पीस, ऑब्जेक्ट टू मतलब ऑब्जेक्ट टू लेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है
ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये एफ ओ प्लस एफ ई होता है, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। तो 20 प्लस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2 सेंटीमीटर को 0.02, तो ये 20.02 मीटर्स। ये सही आंसर है, ये भी सही है, ऑप्शन ये वाला भी सही है। इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश। देखो जब ये यूज़ कर रहे हो तो आपका इमेज इन्वर्टेड बनता है ना, तो ये गलत है। एपर्चर ऑफ आई पी एस इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वो तो दिख ही रहा है, इसका एपर्चर छोटा है, इसका एपर्चर बड़ा है, ये लॉजिकल बात है। टेलीस्कोप में हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे कैप्चर कर पाए, इसलिए ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बढ़ा रखते हैं, आई पी एस का एपर्चर की ज़रूरत बड़ी नहीं होती है। तो ये भी सही है। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ऑप्शन डी से मैच हो रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज। तो इन द ये दो कॉन्वेक्स लेंस से डबल कॉन्वेक्स लेंस रेडियस ऑफ दिया है, तो उसका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के बराबर है। तो पहले तो इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। 1/f इक्वल टू म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यहाँ पर r1 r2 सेम है, r1 r2 क्या है, सेम है। तो r1 r2 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंस में आप देखोगे तो यहाँ से लाइट आ रही, तो ए r1 पॉजिटिव होगा, r2 नेगेटिव होगा। ओके, लाइट रे के डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। म्यू लेंस कितना दिया, 1.5। तो 1.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये 1/2 हो जाता है ऑलवेज। 1/r1, r1 कितना है आपका 10, और r2 माइनस और माइनस 10 प्लस हो जाएगा, तो ये 2/1/2 इंटू 2/10 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा फोकल लेंथ इफेक्टिव। ओके, तो यही आंसर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो यही फोकल लेंथ ऑफ मिरर भी हो गया, ऐसा बोला गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ मिरर है ना, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। तो 20 में ऑप्शन में है बी से, बी से मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो लेयर से फॉर नॉर्मल विजन द अपेरेंट डेप्थ इज, तो आप अगर यहाँ से देख रहे हो तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रियल डेप्थ इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 8/5 प्लस 6 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव कितना, 3/2। तो ये 5 ऊपर ले लो, 6/8 को मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 5 प्लस, इसको मैं 3 से काट दूँ 2 2 2 4 हो जाएगा, तो है ना। तो आप देख सकते हो ये 15/4 है, 15/4 मतलब 3.75 प्लस 4, तो ये आपका वैल्यू बाय 4 करने को बोल रहा है। अच्छा, बाय 4 के फॉर्म में पूछा गया, ऊपर इसको एलसीएम कर लेते हैं। ये 15 प्लस 4 बाय 4 ऐसे लिख सकते हो, तो 31/4 लिख सकता हूँ इसको मैं, जो कि आंसर आपका है। तो इसमें अल्फा पूछा गया है, तो अल्फा की वैल्यू 31 होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस पावर पी हैज़ द सेम रेडियस आर ऑन बोथ साइड्स, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द सेम मटेरियल विथ पावर 1.5 पी इज, इसका पावर विथ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला सेम, तो विथ पावर 1.5 पी इज, उसका पावर 1.5 पी। ओके, तो आपको उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया, मटेरियल सेम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो पहले तो इसका निकालते हैं, इसका पावर या इसका फोकल लेंथ लिख रहे हो इनिशियली डबल कॉन्वेक्स लेंस का, मतलब दोनों साइड कॉन्वेक्स है ना, हैविंग रेडियस कर्वेचर सेम, तो इसका पावर का फॉर्मूला या फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू लेंस, दैट इज म्यू लेंस माइनस 1/2 r लिख सकता हूँ, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका पावर हो जाएगा, इसको पावर पी दिया हुआ है। ओके, इसका पावर पी दिया हुआ है। सेकेंड केस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया, लेकिन इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस कुछ अलग है, आर डैश मान लेते। ओके, तो इसका पावर 1.5 पी दिया हुआ है इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1 इंटू 1/r'
माइनस वन बाई इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस के लिए इन्फाइनाइट हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते, ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू, हमको चाहिए आर डैश, तो मैं वन बाई टू ही कर लेता हूँ डायरेक्टली, तो पी पी कट जाएगा, तो ये बजाय वन बाई वन पॉइंट फाइव, ओके पी पी कट गया, म्यू लेंस माइनस वन कट जाएगा, मटेरियल सेम है इसलिए, यहाँ बचेगा टू बाई आर इंटू आर डैश, ऐसा हो जाएगा, ओके तो आप देख सकते हो, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री बाई टू, थ्री ऊपर आ जाएगा सर, टू ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू बाई थ्री इक्वल टू टू बाई आर इंटू आर डैश, हमको आर डैश निकालना है, टू टू कट गया, आर डैश की वैल्यू आर बाई थ्री आ रही है, मतलब वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री को पॉइंट थ्री थ्री इंटू आर लिख सकता हूँ, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लैंप इज प्लेस सिक्स मीटर्स फ्रॉम द वॉल, एक लैंप रख दिया आपने, सिक्स मीटर्स फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है आपका छह मीटर्स पे रख दिया आपने, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज ऑन पुटिंग ए लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड एट डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर्स फ्रॉम द लैंप, तो भाई यहाँ लेंस लगा दिया आपने, ये डिस्टेंस आपको दे दिया 1.2 मीटर्स, और रियल इमेज आ रही है यहाँ पर वॉल पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4.8, तो आपका u हो गया 1.2 माइनस के साथ v इक्वल टू प्लस 4.8, तो ये कितने गुना मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा u हो जाएगा माइनस 1.2, v हो जाएगा प्लस 4.8, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए होता है v बाई यू, ओके तो v कितना है 4.8 है और u कितना माइनस 1.2 है, तो माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस दिखा रहा है कि रियल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और फोर टाइम्स बड़ा है, फोर टाइम्स बड़ा है, तो ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डी वन फ्रॉम द सी, ओके तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लेने को बोल रहा है, ओके ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर यहाँ रखा गया, तो ये आपका डिस्टेंस d1 बोल रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज d2 फ्रॉम c2, तो यहाँ पर इमेज बनी होगी, डिमिनिश इमेज बनती है हमको पता है, तो ये d2 होगा ऐसा बोला गया, ये ऑब्जेक्ट ये आपका इमेज, ओके द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, तो r पूछा गया, तो बेटा आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है वो होता है रेडियस, दैट इज टू टाइम्स फोकल लेंथ, तो आपको रेडियस पूछा गया है, हमारा बेसिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, या आप इसको शॉर्ट ट्रिक में करना हो तो यहाँ से यहाँ आर बाई टू होता है बिकॉज, और मिरर फॉर्मूला की जगह हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है कि एक्स इंटू वाई दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्स और वाई है फ्रॉम फोकस, तो मैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या लिखूँगा r बाई टू प्लस डी वन है ना, बिकॉज यहाँ से यहाँ r बाई टू है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग r बाई टू माइनस डी वन, तो मैं x इंटू वाई इक्वल टू फोकल लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, तो इसको यहाँ यूज़ करेंगे, r बाई टू प्लस d1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और r बाई टू माइनस डी टू इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू f की वैल्यू r बाई टू का होल स्क्वायर, तो आप इसको एक्सपेंड करिए आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, तो एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, r बाई टू का स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है मल्टीप्लाई करने से, माइनस r बाई टू d1 प्लस r बाई टू d1 d2 सॉरी ये d2 है माइनस के साथ, r बाई टू d2 प्लस आर बाई टू डी वन माइनस ऑफ डी वन डी टू माइनस ऑफ डी वन डी टू इक्वल टू आर बाई टू का स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर कट जाएगा आर बाई टू का, डी वन डी टू को उधर ले आओ, डी वन डी टू को उधर ले आओ, ले आया तो आप यहाँ पर आर बाई टू कॉमन कर लेते हैं, तो डी वन माइनस डी टू दिख रहा है मेरे को इक्वल टू डी वन डी टू दिख रहा है, तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर
और डी वन डी टू डिवाइड हो जाएंगे, टू डी वन डी टू डिवाइड बाई डी वन माइनस डी टू। तो इस तरह का आंसर आपको दिखना चाहिए, तो जो कि दिख रहा है मेरे को ऑप्शन ए में। सो नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन फॉर्मूला यूज़ करो तो जल्दी होगा, मिरर फॉर्मूला से भी कर सकते हो बट मिरर फॉर्म से कैलकुलेशन लेंदी होगा आपका। ओके, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 56, द डिस्टेंस बियॉन्ड कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो लेंस में एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा गया है तो इमेज 2f पे बन सकता है, इसके अलावा कोई भी जगह पे आप ऑब्जेक्ट रखो इमेज की डिस्टेंस उससे ज़्यादा आएगी। तो आप देख सकते हो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा 4f होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 4f होगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इस इमेज इज 56 सेंटीमीटर फॉर्म बाई कन्वर्जिंग लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द, देन रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है वो 4f हो सकता है, इसके अलावा जो भी डिस्टेंस आएगा इससे बड़ा आएगा, है ना। अगर मैं इसको पीछे ले गया हूँ तो इमेज यहाँ पर आएगी, लेकिन ये जितना पीछे आएगा उससे कम डिस्टेंस यहाँ पर आएगा, ये ज़्यादा पीछे जाएगा तो ये डिस्टेंस 4f से ज़्यादा आएगी। अब ये वैल्यू 56 मिनिमम होगी तो 4f इज द मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 56, तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा ऑलवेज, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ऑलवेज होगा। तो फोकल लेंथ जो होगा इससे छोटा होगा, 4f मस्ट बी लेस देन इक्वल 56, तो f मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 56 बाई 4, तो f फोकल लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 14। तो रियल इमेज बनाने की कंडीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के बीच में वो 4f होता है, इसके अलावा जो भी डिस्टेंस रियल इमेज बन रही है उसके साथ इसकी जगह पे आंसर ऑलवेज 4f से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर f लेस देन 14 और इक्वल टू 14 एट सेम साइज एंड सेम इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज के लिए सेम साइज के लिए 4f आएगा, उसके अलावा सारे केस में 4f से ज़्यादा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंसेज 54 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 54। तो लेंथ जो दिया हुआ है वो एफ नॉट प्लस एफ ई होता है, वो 54 है। मैग्नीफाइंग पावर आपको दिया हुआ है 8, मतलब एफ नॉट बाई एफ ई दिया हुआ है 8, तो मैं एफ नॉट को लिख सकता हूँ 8 एफ ई, उसको यहाँ प्लग कर दो, 8 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 54, तो एफ ई इक्वल टू 54 बाई 9। ओके, तो 9 6 54 है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 6 आ गया तो सेपरेट कर लो 54 में से, 48 सेंटीमीटर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा। तो 6 और 8, पहले क्या लिखा है आई लिखा है, तो पहले 6 आ जाएगा बाद में 48 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एन पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस आई एज शोन द फिगर, डिस्टेंस एक्स एक्स डैश सेटिस्फाई द कंडीशन। ये अभी हमने सीखा था कि एक्स एक्स डैश जो होता है ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज 4f से ज़्यादा या इक्वल हो सकता है। तो एक्स प्लस एक्स डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, ग्रेटर देन 4f। अगर मैं इसमें x पूरा ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लिया है तो ये यहाँ से लेते तो 4f होता, लेकिन उन्होंने इस डिस्टेंस को f को, ये f को सेपरेट कर दिया, इस f को लिया नहीं है उन्होंने, ये भी f है फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ है, तो ये 2f निकाल दिया उन्होंने क्वेश्चन में से। तो इसको आप लिख सकते हो इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4f माइनस 2f, दैट इज़ 2f। ओके, 2 इंटू फोकल लेंथ। रियल में क्या होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस v मानते आप, ये u होता तो u प्लस वी 4f से ज़्यादा होता, यहाँ पर u और v में से ff निकाल दिया तो 2f सप्लाइड कर दो दोनों तरफ तो 2f से बड़ा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सन्स डायमीटर इज सो एंड सो, डायमीटर ऑफ सन दे दिया, एक लेंस लिया होगा, सन तो बहुत दूर है इन्फाइनेट पे, है ना, इसका डायमीटर दे दिया आपको एंड इस डिस्टेंस इज 10^11, मतलब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस 10^11, तो इसकी इमेज यहाँ पर कहीं पर फोकस पे बनती है ना,
तो इसका भी डायमीटर बनेगा बहुत छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट का सन का डायमीटर बहुत बड़ा होगा बट इमेज का डायमीटर बहुत छोटा होगा, ये तो लॉजिकल बात है ना। तो उसका डायमीटर पूछा गया फोकल लेंथ 2a, तो आपको ये u पता है ये v पता है ना, u 10^11 है, v आपका 2 मीटर है, फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर है, तो v फोकस पे बनेगा इमेज, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया इमेज का डायमीटर, तो मैग्नीफिकेशन ही इनडायरेक्टली पूछा गया। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, इसकी हाइट, इसका डायमीटर और इसकी हाइट, डायमीटर ऑफ इमेज बाई डायमीटर ऑफ सन मस्ट बी इक्वल टू वी बाई यू, वी कितना है 2, बाई यू कितना है 10^11, तो डायमीटर ऑफ इमेज जो हो जाएगा 2/10^11 इंटू डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर 1.4 दिया हुआ है, 1.4 10^9 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 2.8 आ रहा है ये तो, और 10^-2 आएगा, 10^-2 आएगा मीटर्स में, या 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 2.8 सेंटीमीटर में आंसर पूछा गया है, तो 2.8 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे सन वगैरह देख के टफ लगता है ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। चलो, प्रिज्म हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 30 डिग्रीज, हैज़ ए रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब प्रिज्म एंगल 30 डिग्रीज, एंड डिविएशन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रे इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल टू सर्फेस वन सर्फेस विल बी, हमको नहीं पता डायग्राम कैसा है, हमने मैंने ईजी डायग्राम बना लिया, ऐसा मान लेते हैं ये 30 डिग्रीज दिया हुआ है, लाइट एक एंड से परपेंडिकुलर आ रही है, ओके प्रिज्म में अपनी मर्जी से रेक्टेंगुलर प्रिज्म मान, कोई भी प्रिज्म मान सकता हूँ, मैं राइट एंगल मान लिया, तो ये 90 पे आ रही है, यहाँ पर ऐसा डिविएट होगी, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये कितना होगा वापस 30 डिग्रीज हो जाएगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर एमर्जेंट एंगल पूछा, तो डेविएशन ऑफ मोनो, डेविएशन अब क्या हो जाएगा अगर ये ऐसा बेंड हो जाता है ना, तो ये डेविएशन हो जाएगा, तो एमर्जेंट एंगल निकाल लो तो डेविएशन आएगा, एमर्जेंट एंगल निकालो, द डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रे इंसिडेंट नॉर्मली टू इट्स सरफेस ऑफ विल बी, तो डेविएशन पूछा गया, तो पहले एमर्जेंट एंगल निकाल लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो भाई साइन ई की वैल्यू 3/4 आ रही है, 3/4 मतलब 0.75, मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई आपको 48.36, ओके ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, हमको नहीं दिमाग लगाना है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब डेल्टा का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए, अब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो आई इक्वल टू 0 हो गया, ई की वैल्यू 48.36 आ गई, ए की वैल्यू 30 डिग्रीज, ए की वैल्यू 30 डिग्रीज, तो सपरेट कर लेते थे, 18.36 दिख रहा मेरे को, 18 डिग्रीज 36 मिनट्स, तो ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा, ओके अगेन इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट वांट्स टू सी हिज फुल इमेज, देखो आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी हो तो मिरर की साइज एटलीस्ट आदमी से आधी होनी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर 6 फीट है, 3 फीट होनी चाहिए आंसर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, ओके तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिकॉज उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई पीस आर गिवन इन टेलीस्कोप सो एंड सो, एफ ओ दिया हुआ आपको 200 सेंटीमीटर, एफ ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मैग्नीफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई लिख सकते हो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, मतलब इमेज इन्फाइनाइट बन रही है ऐसा मान रहे हो तो, बट अगर आप चाहते हो इसका इमेज मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो तो स्ट्रेन्ड लोकेशन पे आनी चाहिए, मतलब इमेज आपकी आंखों पे डी पे आनी चाहिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम इज एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बाई सॉरी एफ ई बाई डी, एफ ई बाई डी ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा है कितना है, डी कितना होता है नियरेस्ट पॉइंट, नियर पॉइंट होता है, डी क्या होता है नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर्स, ओके इसको ले लेते हैं, तो
तो यहाँ पर एफ ओ बाई एफ ई मतलब 200/5 वन प्लस एफ ई कितना है 5/25 तो आप देख सकते हो ये 40 आ रहा है ये 1 ये 1/5 मतलब 0.2 ओके तो 1.2 से मल्टीप्लाई करने से 48 आंसर आ जाएगा तो मैग्नीफिकेशन इसका 48 हो जाएगा माइनस बता रहा है इन्वर्टेड है उसकी हमको टेंशन नहीं लेनी है मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 48 मैग्नीट्यूड है 48 तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो ये वाला माइक्रोस्कोप में d/f आता था इसमें fe/d आएगा याद रखना चलो रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 meters फुल ऑफ वाटर द बॉटम कैन बी सीन एट है ना तो एपरेंट डेप्थ पूछा गया है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव तो रियल डेप्थ कितना 8/4/3 3 ऊपर 4 जाएगा 2 टाइम्स 2 3 6 तो इसका आंसर हो जाएगा 6 meters तो 8 meters उंडा पानी है आपको दिखेगा 6 meters कूद जाओगे तो डूब जाओगे 6 meters में भी डूब जाओगे ऐसे भी 6 है ना आपकी हाइट 1.5 meters 2 meters के अंदर ही होती है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 vessels ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम टेम्परेचर प्रेशर के 3 vessels है फर्स्ट वेसल कंटेन्स नियॉन ओके सेकेंड कंटेन्स क्लोरीन और थर्ड कंटेन्स यूरेनियम तो सबका टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर का कोई टेंशन लेना है वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर बाय मोलर मास जिसका मोलर मास ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा है ना तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला दिया है नियॉन है ना सेकेंड दिया हुआ है डायटमिक क्लोरीन जिसका मोलर मास 63 के आसपास नियॉन का 20 के आसपास देन तीसरा दिया है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यूरेनियम तो बहुत बड़ा मटेरियल है ना ये बहुत हेवी एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का मास 235-238 के रेंज में है तो इसका तो मास बहुत मोलर मास भी बड़ा है तो जिसका मास बड़ा है उसका आरएमएस स्पीड कम होगा तो ये सबसे कम इसका होगा सेकेंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे सबसे हाईएस्ट मोनोक्रोमेटिक सॉरी तो नियॉन का होगा जो कि मोनो है मोनो एटॉमिक है तो लिख लेते हैं आंसर्स नियॉन सबसे ज़्यादा क्लोरीन सेकेंड नंबर पे यूरेनियम थर्ड नंबर पे आना चाहिए तो ये ऑप्शन मेरा सेकेंड ऑप्शन से मैच हो रहा है ऑप्शन बी से मैच हो रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ऑक्सीजन गैस इज फिल्ड इन ए वेसल इफ द प्रेशर इज डबल्ड टेम्परेचर बिकम्स 4 times हाउ मेनी टाइम्स इज द डेंसिटी विल बिकम तो प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है रो आर टी होता है बाय मोलर मास है ना तो यहाँ पर P2/P1 इक्वल टू ρ2/ρ1 इंटू T2/P1 ये लगा दो P2/P1 आपको कितना दिया है 2 और T2/P1 4 दिया है तो 4 इधर जाएगा लिख देता हूँ आपके लिए ρ2/ρ1 इंटू 4 4 इधर गया तो ρ2/ρ1 कितना हो गया आपका 1/2 हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1/2 मतलब ऑप्शन डी कंसीडर टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेनिंग मोनोक्रोमेटिक गैस एट सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो गैस ए इज कंप्रेस आइसोथर्मली एक को कंप्रेस किया आइसोथर्मली मतलब P2V2 इक्वल P1V1 लगा सकते तो आइसोथर्मल किस में हो रहा है ए में सो P2 of A इज V1/V2 इंटू P1 P2/P1 इक्वल V1/V2 होता है इनवर्स तो यहाँ पर 8 times कंप्रेस किया ओरिजिनल वॉल्यूम का तो ये 8P हो जाएगा प्रेशर बढ़ गया ये आइसोथर्मल प्रोसेस में बी जो एडियाबेटिक प्रोसेस से किया एडियाबेटिक प्रोसेस से किया दूसरे को सो P2 of B मस्ट बी इक्वल टू V1/V2 होल पावर गामा ऑफ बी ओके P1 तो अब ये हो जाएगा 8 पावर गामा P1 और कैसा गैस बोला गया है मोनो एटॉमिक तो मोनो एटॉमिक का मतलब आपका है गैस का गामा 1+2/F गामा होता है 1+2/F तो F की वैल्यू 3 लिखो तो ये 5/3 हो जाएगा तो गामा की वैल्यू 5/3 है गामा मोनो याद भी रख सकते हो 5/3 है तो आपको इच्छा है P2 of B/P2 of A पूछा गया है ओके तो आप ए लिखा होगा P1 कैंसिल हो जाएगा 8 पावर गामा P1 by 8 into P1 तो ये 8 पावर गामा -1 हो जाएगा
तो 8 पावर 5 बाई 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, तो 3 3 कट जाएगा, 2 स्क्वेयर बचेगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ओके, हीट और वर्क इक्वल होंगे, ये सारी चीज़ें इस पर डिफाइन की हुई है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस गलत है, इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज सही है, वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू वर्क हीट अब्जॉर्ब सही है, तो ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो बी एंड सी सही बोल रहा है वो सही है, ओके। अगेन ईजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नेदर अब्जॉर्ब और रिलीज, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या सोचना है ना, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, फोकल लेंथ इज 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, तो सब दे दिया, म्यू में पूछा गया है ना, एफ दे दिया आपको 1 बाई 20, कॉन्वेक्स बोला है तो पॉजिटिव पावर है, ओके, म्यू लेंस बाय सराउंडिंग 1 माइनस 1, 1 बाय R1 1 बाय 15, माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 30, मतलब प्लस हो जाएगा वो, तो ये आप 1 बाई 30 को एलसीएम ले लेते तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, म्यू लेंस -1, ये 1 बाई 20, 30 जाएगा 3 जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 10, 10 में से एक जीरो यहाँ काट देते तो आपको बच रहा है 2, तो म्यू लेंस इक्वल टू 1 बाई 2, ये -1 उधर लेके आओ प्लस, तो ये 1.5 दिख रहा है मेरे को, स्टैंडर्ड वैल्यू ग्लास जैसा दिख रहा है 1.5, तो 1.5 दिया है ऑप्शन सी में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड 20 इंसिडेंट ऑन लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ लेंस विल बी कन्वर्ज एट फोकल लेंथ, तो कन्वर्ज कहाँ पर होता है, फोकल लेंथ पे होता है, तो फोकल लेंथ ढूंढने का बोल रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, 1 बाई F इक्वल टू म्यू लेंस -1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो ये 2 बाई R हो जाएगा बिकॉज R1 R2 सेम है, R1 R2 सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 बाई 20 है, म्यू लेंस हमको नहीं पता, अच्छा म्यू लेंस दिया है क्या, म्यू लेंस दिया, फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ पूछा गया, फोकल लेंथ पूछा गया, म्यू लेंस कितना है 1.5 माइनस 1 2 बाई R, R कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, R दिया है 20 सेंटीमीटर्स, ओके, तो ये 1 बाई 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 1 बाई 20 आ रहा है, तो फोकल लेंथ ही आपका आंसर है, बिकॉज ये कन्वर्ज होगा, पैरेलल लेंस कन्वर्ज होती है फोकस पे, तो 20 सेंटीमीटर्स आपका ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ क्राउन ग्लास हैज़ ए फोकल लेंथ दिस मच व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन टू डिफरेंट लिक्विड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वाटर में रखा 4 बाई 3, एक बार कुछ और लिक्विड में रखा जिसका रिफ्रैक्टिवेंस 5 बाई 3 है, तो उसके F1 F2 आए, तो इनके रिलेशन बताने, तो पहले F1 निकालते, 1 बाई F1 इक्वल टू म्यू लेंस दैट इज़ 1.5 या 3 बाई 2 बाय म्यू सराउंडिंग दैट इज़ 5 बाई 3, सॉरी वाटर है ना पहले, तो 4 बाई 3 -1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम है, 2 बाई R लिख लेते, कंपेयर करना हमको है ना, तो 2 बाई R लिख लेते, R1 R2 सेम है, ओके, थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 R2 से मतलब नहीं, हमको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो ये 3 ऊपर गया, ये 9 बाई 8 हो जाएगा, 9 बाई 8 -1 2 बाई R आ रहा है 1 बाई F1, तो F1 आपको पॉजिटिव दिख रहा है, F1 पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज 9 बाई 8 इज़ मोर देन 1। सिमिलरली F2 में लगाते हैं सेम फॉर्मूला, 1 बाई F2 इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग कितना है 5 बाई 3 -1 इंटू 2 बाई R, इसको 2 बाई R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तो 3 ऊपर 9 बाई 10 आ रहा है, तो 9 बाई 10 -1 आ रहा है यहाँ पर, 2 बाई R लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये तो F2 नेगेटिव बता रहा है, F2 नेगेटिव बता रहा है, तो F1 इज मोर देन F2 बिकॉज देखो यहाँ पर 9 बाई 8 -1 1 बाई 8 1 बाई 4 आएगा, 1 बाई 4 आर आ रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये 10 माइनस 1 1 बाई 10 1 बाई 5 आ रहा है, तो 1 बाई 5 बड़ा है कि 1 बाई 4 बड़ा है, तो 1 बाई 4 बड़ा है, लॉजिकल बात है, तो F1 बड़ा भी है और पॉजिटिव भी है और F2 नेगेटिव है, तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2 एंड इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़
पॉजिटिव, ओके, तो इट इज एफ टू नेगेटिव, एफ टू नेगेटिव, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दो बार सॉल्व करना है लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद रखिए, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। मैंने आर वन आर टू का कोई रोल नहीं है तो इसमें टू बाय आर लिख दिया, दोनों आर वन आर टू इक्वल मान लिया। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रिज्म इज गिवन, एंगल 30 डिग्री प्रिज्म एंगल है, एक तरफ से 60 डिग्री पे आता है, रिट्रेस कर रहा है, तो डायग्राम में वापस यहाँ बना रहा हूँ, लाइट ऐसे आई, ऐसे टकराई, रिट्रेस किया, रिट्रेस किया मतलब वापस चली गई ये मिरर को टकरा के, मतलब यहाँ पर कैसा टकराई होगी, परपेंडिकुलर टकराई होगी, परपेंडिकुलर टकराई होगी, ये मतलब है उसका, ओके। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये आपका नॉर्मल, ये एंगल 60 दिया हुआ क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछा गया, तो बेटा यहाँ पर 90 है तो ये 90 है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्रीज, तो 1 इंटू साइन 60, इनके बीच में स्नेल्स लॉ लगा दे, म्यू इंटू साइन 30, तो ये रूट 3 बाई 2 इक्वल टू म्यू इंटू 1 बाई 2, साइन 30 है ना ये, तो ओके, तो 1 बाई 2, 2 2 गया, म्यू प्रिज्म जो है रूट 3 के बराबर है, तो रूट 3 ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते, डेसिमल में दिया 1.732 ना, 1.732 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज शोन बिलो, रियल इमेज दिखा रहा है आपको, द होल सेटअप इज इमर्स इन वाटर। अब वाटर में डुबाने से इसका फोकल लेंस जो होता है, फोकल लेंस ऑफ डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम, जो फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग माइनस वन दिया था, तो पहले वन था नीचे डिनोमिनेटर में, अभी 4/3 हो जाएगा वाटर के लिए, म्यू लेंस बाई म्यू 4/3 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ घटेगा इसका, तो इमेज यहाँ पर बनेगी नहीं स्क्रीन पे, बिकॉज इमेज कहीं और बना चाहेगी, पर वहाँ पर तो स्क्रीन नहीं है, पूरा सेटअप ऐसे डुबा दिया आपने, तो इमेज बनेगी नहीं, ऐसा आंसर होना चाहिए, इमेज डिसअपियर्स, इमेज डिसअपियर्स बिकॉज फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम, फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड कलर आर गिवन, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्रीज, स्मॉल एंगल दिख रहा है तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सिमेशन यूज़ कर सकते हो। देन एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन कैन बी रिटन एज डेल्टा नेट, दैट इज डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, दैट इज म्यू वायलेट माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस म्यू रेड माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म लिख सकते हो। म्यू वायलेट और रेड दिया हुआ है 1.52 और 1.54, ओके, तो 1.54 माइनस 1.52 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म दिया 10, तो ये 0.02 इंटू 10 आ रहा है, तो 0.2 डिग्रीज आएगा एंगुलर डिविएशन जो आएगा, या डिस्पर्शन जो बोला गया एंगुलर डिस्पर्शन वो 0.2 आएगा, छोटा सा डिस्पर्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेन फेसेस ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर हैविंग फोकल लेंथ 40 एंड प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो सच दैट एक प्लेन ऐसा है सच दैट प्रेस देखने पैरेलल फेस को फेस स्ट्रेच किया गया, इसका फोकल लेंथ कितना था 40 था, एक ऐसा था इसका भी 40 था, इन दोनों को ऐसे दबा दिया, दबाने से ऐसे बन गए, एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया, तो इसका इफेक्टिव पावर बढ़ गया या फोकल लेंथ घट गया, देखते फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f टोटल, f इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/40 प्लस 1/40, दैट इज 2/40 1/20, दैट इज फोकल लेंथ टोटल जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये नया फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ दिस लेंस एट विच द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू अटेन अ रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन वन, ये लाइन पर ध्यान दिया, मैग्नीफिकेशन वन मतलब सेम साइज, तो सेम साइज के लिए ऑब्जेक्ट 2f पे रखो तो इमेज 2f पे आएगी, तो f की वैल्यू 20 है तो u जो होगा ऑब्जेक्ट लोकेशन 2f होगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन में है, बी में मैच हो रहा है, ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन है अभी, है ना, इन दोनों को जोड़ा हमने, देन ऑब्जेक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई किया मैग्निफिकेशन वन यूज़ करके। लाइट बल्ब इज प्लेस्ड इन बाइसेक्टर बिटवीन द टू मिरर्स, तो दो मिरर्स है,
बाई सेक्टर पर रखा, क्लियर लिखा है, ओके तो 30 डिग्री पर रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर मिरर आपका 30 डिग्री पर रखा हुआ है, ओके ये आपका बल्ब रखा हुआ है सॉरी, और ये टोटल एंगल 60 दिया हुआ है, टोटल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई होगी, M1 मिरर 1 से और मिरर 2 से कितना एंगल लिख लो, ये मैं मिरर 1 बोल रहा हूँ, ये मिरर 2, तो मिरर 1 से 30 डिग्री बना रहा है, मिरर 2 से भी 30 बना रहा है बाइसेक्टर, इसलिए तो अब इसका टोटल एंगल 60 क्रॉस में ऐड करते हैं, तो 60 ऐसे ऐड करने से आपका ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, वापस 60 ऐड करो तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150, तो आप देख सकते हो इसके बाद 60 ऐड करो तो 180 हो जाएगा, तो 180 तो बन नहीं सकते, 180 से क्रॉस करना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो मिरर के बैक साइड चला गया, ऑब्जेक्ट बैक साइड चला गया तो इमेज नहीं बनेगी। तो पहली बात तो ये दोनों टोटल 6 इमेज दिख रही है आपको, बट लास्ट वाली इमेज चेक करनी होती है, अगर इन दोनों का सम प्लस मिरर एंगल, मिरर के बीच का एंगल, मिरर एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स अगर 360 हो जाता है तो ये दोनों इमेजेस को इनसाइड होती है, ये टेक्निक होता है। तो 150 और मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, तो 300 प्लस 60 360 मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों इमेज को वन इमेज मानना है, बोथ इमेजेस को इनसाइड, इसलिए इसको एक ही इमेज मानना है। एक इमेज मानोगे तो आपका 360 डिग्रीज हो गया, तो इसको टोटल आंसर आ जाएगा 5, बिकॉज ये 6, ये 4 तो है ही, ये 5वां, तो 5 इमेज ही बनेगी टोटल, 6 नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वॉच शोज टाइम एज 3.25, तो मिरर में 12 से सेपरेट कर लो, टेक्निक क्या होता है 12 से सेपरेट कर लो, तो 12.00 माइनस 3.25, 25 सेपरेट करने से हो गया ये 35, और 12 में से एक दिया होगा 60 मिनट्स करने के लिए दिया होगा एक, तो 11 माइनस 3 8, 8.35 है ना, 9.35 मत लिखना, यहाँ पर एक बोरो किया आपने, बिकॉज इसको 12 में से सेपरेट करने के लिए 0 में से 25 तक सेपरेट नहीं कर सकते, एक देने का मतलब एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 माइनस 25 करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ इज इमर्स इन वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर विल बी, देखो मिरर है तो मिरर का सराउंडिंग मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, तो सेम रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ 4-5 अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं। इमिसिबल लिक्विड से ABCDE, रेक्टेंगुलर टैंक के ग्लास भरा हुआ है लिक्विड से, अलग अलग लिक्विड से, एज शोन फिगर, द कंटेनर इल्यूमिनेटेड फ्रॉम वन साइड एंड स्मॉल पीस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61, यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे जा रहा है वो उसके अंदर, इट इज़ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 है, तो इट विल डिसअपियर कहाँ पर, तो बेटा जिसका इसका रिफ्रैक्टिव जिसके साथ लिक्विड से मैच हो रहा हो वहाँ पर वो डिसअपियर हो जाएगा, तो यहाँ पर वो डिसअपियर हो जाएगा, ऑप्शन 1.61 ओनली लिक्विड सी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिकॉज इन दोनों का रिफ्रैक्टिव सेम है तो वो लिक्विड ही दिखेगा आपको, मतलब लिक्विड के साथ वो मर्ज हो गया आपको दिखेगा नहीं। चलो थिन प्रिज्म एंगल 60 डिग्रीज है P1 का, मतलब A1 दिया हुआ आपको 60 डिग्रीज और A2 आपको पूछा गया है, ओके तो उसका रिफ्रैक्टिवनेस दिया है 1.54 और दूसरे का दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिवनेस μ1 दिया हुआ 1.54 और μ2 दिया हुआ है 1.72। टू प्रोड्यूस अ डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा नेट जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा नेट जीरो का मतलब Δ1 इक्वल टू Δ2, इसके कारण जो डेल्टा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, पहले ऐसा मुड़ा होगा बाद में ऐसे ही मुड़ा होगा ऑपोजिट में, तो पहले मान लो 2 डिग्री मुड़ा तो दूसरी बार 2 डिग्री ऊपर मुड़ा तो नेट डेविएशन जीरो है, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है μ1 - μ-1 इंटू A1 इक्वल टू μ2 - 1 इंटू A2। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर 1.54 - 1 इंटू A1 कितना है 6 इक्वल टू μ2 कितना है 1.72 - 1 इंटू A2। आपको A2 पूछा गया है, आपको A2 पूछा गया है, तो A2 की वैल्यू ये 0.54 इंटू 6 बाई 0.72 ऐसा आ रहा है, तो 54 बाई
72 लिख सकता हूँ इसको इंटू 6, 18 फोर ज़र हो जाएगा, तो 4 में जाएगा, सॉरी 2 और 3 टाइम्स, तो 9/2 आपका आंसर आ रहा है 4.5 डिग्रीज़, 4.5 डिग्रीज़ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 4.5 डिग्रीज, एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 4.5 डिग्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इट सेकेंडरी मिरर इज़ यूज्ड टू, तो टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग गैलीलियन टेलीस्कोप बोल सकते हैं इसको, तो उससे क्या होता है आपका लेंथ का ट्यूब का साइज़ चेंज छोटा हो जाता है, ये एडवांटेज होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स का। तो रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन, ये नहीं काम इसका। मेक क्रोमेटिक एब्रेशन जीरो, ये भी उसका पर्पस नहीं है। मूव द आई पीस आउटसाइड द टेलीस्कोप, हाँ आप देखने का जो नज़रिया वो बाहर ला सकते हो टेलीस्कोप के बाहर, तो ये इसका सही आंसर होगा। ओके ऑप्शन डी, बेसिकली टेलीस्कोप्स का साइज़ छोटा हो जाता है और आप आई पीस को बाहर रख सकते हो। आइस क्यूब हैज़ अ बबल इनसाइड, व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड अपेरेंट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर्स एंड व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर साइड इट इज 4 सेंटीमीटर्स। ओके तो आइस क्यूब जो है वो कुछ ऐसा क्यूब है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर्स। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है, वो बन रहा है बाहर 12 पे, ये अपरेंट पोजीशन है। ओके उसका रियल पोजीशन एक्स है, रियल पोजीशन एक्स है, और अगर आप यहाँ से देखते हो तो वो यहाँ बन रहा है, वो पोजीशन 4 है। दो दो अपरेंट पोजीशन दिए दोनों तरफ से देख रहे हो, तो उसका रियल पोजीशन पूछा गया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, तो अपरेंट पोजीशन इज इक्वल रियल पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्ट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव। तो यहाँ पर अपरेंट पोजीशन 12 दी हुई है, रियल पोजीशन कितना है एक्स डेड बाई डिस्टेंस कितना है ये म्यू आपको पता नहीं है। ओके म्यू अननोन है। सेकेंड केस में यहाँ से देख रहे हो तो अपरेंट पोजीशन कितना है 4 है, रियल पोजीशन कितना हो गया 24 माइनस एक्स हो जाएगा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाई रिफ्रैक्टिव म्यू, हमको तो म्यू चाहिए तो म्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स जहाँ दिखे 12 इंटू म्यू लिख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 12 म्यू, वो यहाँ लिख दो, तो 4 म्यू इक्वल टू 24 माइनस 12 म्यू, इसको इधर ले आओ 16 म्यू इक्वल टू 24, म्यू इक्वल टू 24 बाई 16, 8 3s are 8 2s are 1.5, इसका आंसर आ जाएगा 1.5, स्टैंडर्ड रिजल्ट ग्लास जैसा आ रहा है, तो 1.5 इसका 3/2 ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ 20, तो कुछ कॉन्वेक्स सरफेस है इसका, इसका रेडियस दिया हुआ है 20, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर्स, ये आपका 100 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, मतलब यू की वैल्यू -100 लेनी है कैलकुलेशन में। इमेज विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, चाहिए इस लाइन पे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पूछा है, वी नहीं पूछा है, वी आता आपको इस इंटरफेस से आंसर। ओके तो पहले वी निकाल लेते, आपका फॉर्मूला है n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1/r, वेर n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 हो जाएगा एयर, n1 हो जाएगा एयर के लिए 1 और ये हो जाएगा n2 आपके लिए, तो लाइट रे गई होगी ऐसे कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी यहाँ पर कहीं पर, ये आपका v है, तो v निकालना है, ये u दिया हुआ है आपको, तो n2 कितना है 1.5 डिवाइड बाई वी -1/100, ये n2 1.5 -1, रेडियस का कर्वेचर पॉजिटिव है बिकॉज इंसिडेंट का रेडिएशन पॉजिटिव होता है, तो ये 20 लिख सकते हो, तो ये 1/40 हो गया, तो 1.5/v इक्वल टू ये प्लस हो गया उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 1/40 - 1/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 40 और 100 माइनस 40 60। ओके
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2V 60 × 100 × 40, 0 0 काट दो, है ना, 4 जाएगा 2 टाइम्स, 2 जाएगा 3 टाइम्स, 3 जाएगा 3 टाइम्स, तो V की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दिख रही है। एंड यू माइट बी टेम्पटेड टू आंसर 100 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बट आपको लास्ट लाइन अच्छे से पढ़नी है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका आंसर 100 आया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 200 हो गया, तो 200 इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया लेंस से कुछ दूरी पे, यहाँ पर मिरर रखा गया, इन दोनों के बीच की दूरी 20 है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इमेज बन रहा है मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर, तो मिरर के अंदर लेट से इमेज बन गया 5 सेंटीमीटर पर, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली इसका जो इमेज बना है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर बना होगा यहाँ से, बिकॉज प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस आता है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इमेज बना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 - 5 15 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका V हो गया। इसका फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर्स, तो V पता है, F पता है, U निकालना है, तो V इक्वल टू UF बाई U प्लस F, आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है V इक्वल टू UF बाई U प्लस F, V पता है आपको, F पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, V की वैल्यू 10 है, F की वैल्यू सॉरी V की वैल्यू 15 है, V की वैल्यू 15 है, U की वैल्यू अननोन है, F की वैल्यू 10 है, U प्लस 10 हो जाएगी, 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार कटेगा, तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3U + 30 इक्वल टू 2U आ रहा है, तो U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सो दिस ब्रिंग्स अस 30 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन बी दिख रहा है मेरे को 30 सेंटीमीटर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो दिस ब्रिंग्स अस द एंड ऑफ द सॉल्यूशंस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।